गुड मॉर्निंग एवरीवन। करीब 2 हफ्ते पहले कविता इज हेयर चैनल ने वर्ल्ड नंबर 1 फ्री ऑनलाइन हैंडराइटिंग कंपटीशन लॉन्च किया था विद अट्रैक्टिव ट्रॉफीज। तो उसी की हैंडराइटिंग्स यानी शॉर्ट लिस्ट एंट्रीज आज हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। इसमें जीतोगे तो पाओगे ये तीनों में से एक अट्रैक्टिव ट्रॉफी फ्री ऑफ कॉस्ट विद नो कुरियर चार्जेस। आपको बता दें कि ये कविता इज हेयर के फ्री ऑनलाइन नंबर 1 हैंडराइटिंग कंपटीशन की शॉर्टलिस्ट एंट्रीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 को हमने कल ही यानी 17 अप्रैल के दिन पब्लिश किया था, इसलिए अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देखें फिर इस पार्ट 2 की वीडियो को देखें। पार्ट 1 पर आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और हम अब पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 के एंड में हमने आपको बताया था कि इस हैंडराइटिंग कंपटीशन में टोटल 67 एंट्रीज रिसीव हुई हैं, जिनमें से हमने पार्ट 1 में 35 एंट्रीज देख ली थी, तो 32 रिमेनिंग है, इसलिए अब हम 36 एंट्री से शुरू करेंगे। 36 नंबर फरिया फारूक सैयद का ही सबसे बढ़िया हैंडराइटिंग मुझे इसमें लगा है। रामनवमी के विषय पर इन्होंने इतनी अच्छी हैंडराइटिंग करी है जो काबिले तारीफ है, काफ़ी अच्छी हैंडराइटिंग इनकी है। 37 नंबर पर है एम शालिनी, लेखन हैंडराइटिंग कंपटीशन में रामनवमी के ओकेजन के टॉपिक पर इन्होंने अच्छी हैंडराइटिंग करी है। नंबर 38 में नाम आता है छवि अग्रवाल का, इन्होंने भी रामनवमी के विषय पर एक बढ़िया और तारीफ के काबिल हैंडराइटिंग करी है। 39 नंबर पर आती हैं काजल, भगत सिंह को टॉपिक बनाते हुए इन्होंने अच्छी हैंडराइटिंग करी है, कोशिश इनकी अच्छी है। नंबर 40 पर है अंशिका सिंह, लेखन हैंडराइटिंग कंपटीशन में भगत सिंह पर इन्होंने भी एक बढ़िया हैंडराइटिंग पेश करी है। 41 नंबर पर है देविका, जिन्होंने रामनवमी के विषय पर एक अच्छी हैंडराइटिंग पेश करी है। 42 नंबर पर है अदिति शर्मा, इन्होंने भी हैंडराइटिंग कंपटीशन में एक काबिले तारीफ हैंडराइटिंग रामनवमी के विषय पर करी है। 43 नंबर पर है साक्षी गुप्ता, लेखन हैंडराइटिंग कंपटीशन में रामनवमी पर इनकी हैंडराइटिंग भी बहुत ही अच्छी है। 44 नंबर पर पायल हैं, जिन्होंने एक यूनिक स्टाइल ऑफ हैंडराइटिंग पेश करी है, इनकी कलाकृति बहुत ही अच्छी है, साथ ही साथ हैंडराइटिंग लिखते टाइम इन्होंने जो बीच में भगत सिंह की पिक्चर ड्रॉ करी है वो भी काबिले तारीफ है। इसके अलावा इनका स्लोगन भी बहुत ही बढ़िया है, जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। 45 नंबर पर है पी हरिनी, 4 पेजेस में शहीद भगत सिंह के टॉपिक पर इस लेखन हैंडराइटिंग कंपटीशन में इन्होंने अपनी हैंडराइटिंग को काफ़ी अलग अलग पहलू और पॉइंट्स के थ्रू प्रेजेंट किया है और इनकी हैंडराइटिंग सबसे यूनिक इसीलिए है क्योंकि सबने एक ही पैराग्राफ में भगत सिंह की पूरी लाइफस्टाइल एक्सप्लेन की है, लेकिन इन्होंने हर अलग अलग पॉइंट को जैसे कि विकिपीडिया में किया जाता है वैसे बांट बांट कर भगत सिंह को अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो काबिले तारीफ है। नंबर 46 पर है अभिषेक संतरा, जिन्होंने भगत सिंह के टॉपिक पर 2 पेजेस में एक अच्छी हैंडराइटिंग तैयार करी है। 47 नंबर पर है गुरनीत कौर, भगत सिंह पर इन्होंने भी एक अच्छी हैंडराइटिंग पेश करी है। 48 नंबर पर है BS भावदरनी, इन्होंने भी रामनवमी के विषय पर एक बढ़िया हैंडराइटिंग करी है। 49 पर है पंखुड़ी पांडे, रामनवमी के टॉपिक पर इन्होंने भी अपनी हैंडराइटिंग में एक अच्छी कोशिश की है। नंबर 50 पर है अनिकेत कुमार, इन्होंने भी रामनवमी के विषय पर एक अच्छी हैंडराइटिंग करी है। नंबर 51 पर है जोया जमील सिद्दीकी, रामनवमी इस लेखन हैंडराइटिंग कंपटीशन में इन्होंने अपना टॉपिक चुना है जो एक अच्छा है। 52 पर है शेख शबीरा शवान अली, रामनवमी के टॉपिक पर इन्होंने भी एक बढ़िया हैंडराइटिंग करी है। लेखन हैंडराइटिंग कंपटीशन में 53 नंबर पर है सिद्धि विजय कुमार बाफना, भगत सिंह पर इनकी हैंडराइटिंग का टॉपिक है। नंबर 54 पर है समाद्रिता नाग, लेखन हैंडराइटिंग कंपटीशन में इन्होंने रामनवमी पर हैंडराइटिंग करी है। नंबर 55 पर है संगीता पोनिकर, लेखन हैंडराइटिंग कंपटीशन में रामनवमी इन्होंने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया है फॉर हैंडराइटिंग। नंबर 56 पर है अमृतांश, इनकी एज 9 to 10 ईयर्स है शायद, लेकिन इन्होंने
एक अच्छी हैंडराइटिंग अपनी एज के हिसाब से लिखी है। 57 पर है अक्षिता सोनी। भगत सिंह पर इन्होंने भी बढ़िया हैंडराइटिंग करी है। 58 पर है जे जेनिबर। इन्होंने भगत सिंह पर पॉइंट्स लगा लगा के अच्छी हैंडराइटिंग पेश करी है। 59 पर है अभिषेक पत्रा। इन्होंने रामनवमी को अपना टॉपिक बनाकर इस लेखन हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन में अच्छा हैंडराइटिंग पेश किया है। 60 नंबर पर है बेलिना शरोन ओ। भगत सिंह पर इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स पेश किए हैं। 61 पर है लुलूशम आमिन। भगत सिंह पर इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया हैंडराइटिंग करी है। नंबर 62 पर है लुबना। भगत सिंह इनका टॉपिक है इन दिस लेखन हैंडराइटिंग कंपटीशन। लास्ट फोर्थ की बात करें तो वो है 63 नंबर ईशान बरनवाल। इन्होंने भगत सिंह को अपना टॉपिक बनाया है। 64 पर है बी बानु श्रेया। इन्होंने भी एक बहुत ही बढ़िया हैंडराइटिंग पेश करी है। 65 पर है नंदिनी पाढ़ी। इन्होंने भी लेखन एंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में रामनवमी को अपना टॉपिक बना के एक बढ़िया हैंडराइटिंग करी है। 66 बी जोशनी। इन्होंने भगत सिंह को अपना टॉपिक बना के अच्छी हैंडराइटिंग करी है। लास्ट है ऑफ 67 मना शिनी भारद्वाज। रामनवमी इनका टॉपिक है जिसपे इन्होंने अच्छी हैंडराइटिंग की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आपको ये नई जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू इंफॉर्मेटिव अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।